या उदास हो जाता है, तो ऐसा किस कारण से होता है और इसको दूर करने के लिए उस समय हम क्या कर सकते हैं? बैठिए, मन के अनुकूल व्यवहार ना होने पर मन मलिन हो जाता है। क्या धन इत्यादि तो बाह्य चीजें हैं, धन तो है लेकिन घर के सदस्यों में परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद नहीं है, धन को लेकर शांति कहाँ से मिलेगी? और कहीं 99 का चक्कर पड़ गया, 1 करोड़ है लेकिन 1 अरब कमाने की भावना है, एक बहुत बढ़िया है पंचदशी आदि में सिद्धांत। वस्तु की प्राप्ति से सुख मिलता है या कामना की निवृत्ति से सुख मिलता है, यह प्रश्न पंचदशी नामक वेदांत ग्रंथ में उठाया गया। पूर्व पक्ष प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या वस्तु को चाहता है दैव योग से, प्रयत्न के द्वार से, सही उस वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब उस वस्तु या व्यक्ति को लेकर जो कामना थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। जब कामना की निवृत्ति हो जाती है तो मन निर्मल निश्चल जल के समान या दर्पण के समान हो जाता है। आत्मा जो कि पर प्रेमास्पद होने के कारण सुखरूप है, उस निर्मल निश्चल दर्पण के सदृश चित्त पर अभिव्यक्त प्रतिफलित हो जाता है। कामना की निवृत्ति से आनंद की उपलब्धि हुई, इधर बहिर्मुख व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता, वे समझते हैं कि वस्तु या व्यक्ति जो अनुकूल है उसकी प्राप्ति से सुख मिला। नादान व्यक्ति क्या करता है, एक अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई, उस अभीष्ट वस्तु को लेकर जो कामना थी उसकी निवृत्ति हो गई, कामना की निवृत्ति होते ही चित्त निर्मल निश्चल हो गया। जब चित्त निर्मल निश्चल दर्पण के समान हो गया तो उस पर आत्मस्वरूप प्रतिफलित हो गया, यही सुख का रहस्य है। इस सुख के रहस्य को जो जान लेता है वो कामना ही नहीं पालता है। क्या सामान्य जीव की क्या बात है, आज तो भोजन में पापड़ मिलना चाहिए, पापड़ मिल गए, कहीं चटनी भी मिलती तो क्या कहना, एक गुलाब जामुन भी मिलता तो क्या कहना। एक इच्छित वस्तु की प्राप्ति हुई, उस इच्छित वस्तु की प्राप्ति के दशा में कामना जो उस विषय को लेकर थी निवृत्त हो गई, सुख मिलने लगा, इतने में क्या हुआ, दूसरी वस्तु की कामना कर ली। एक बार हम वृंदावन में वेद विद्यालय के ऊपर निवास कर रहे थे, लोहे की किवाड़ पार जिससे उस पार देख सके, बरामदे में बैठकर हम लिख रहे थे, पर्दा नहीं लेकिन लोहे के जाली से बाहर देख सकते थे। पड़ोस में उड़ियावा जी का आश्रम, हम भी दूसरे खंड में रहते थे, वहाँ टंकी खुली हुई थी, उसमें पानी भरा हुआ था। एक बंदरिया आई, उसने यूँ देखा, उसका प्रतिबिंब उस जल में पड़ा, उसको बाकी कोई प्रतिद्वंदी बांधरी है, झाँ करने लगी और जल यूँ करने लगी, हाथ से जब जल यूँ करने लगी तो जल चंचल हो गया, तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया, तो उसने सोचा कि प्रतिद्वंदी को हमने मार दिया,
यूँ बैठी मस्त मस्त मौला होकर मौली होकर, इतने में जल फिर तरंग रहित हो गया, फिर उसको प्रतिबिंब दिखा, फिर वो झौंझों करने लग गई। पड़ोसी जो उसको पति बेटे आदि सब गली कुची में घूम रहे थे, उनको हुआ कि कोई विप्लव हो गया, रहस्य तो लोगों को पता नहीं, मैं मुस्कुरा रहा था। अब यात्री जितने थे सबको काटते दौड़े, वो इतना महाभारत कर दिया आधे घंटे तक, कारण उन लोगों को किसी को पता नहीं। और बंदरिया की स्थिति क्या थी, जब जल निश्चल हो जाता तब उसको अपना प्रतिबिंब दिखता, यूँ करती तो वो भी उसका प्रतिबिंब यूँ करे और जब वो यूँ यूँ कर देती तो जल चंचल हो जाता। किसी कारण से मन चंचल हो गया तो सुखरूप आत्मा का प्रतिफलन बंद हो जाता है। कामना की पूर्ति से, वस्तु की उपलब्धि से सुख नहीं मिलता, वस्तु की उपलब्धि होने पर जो उस विषय की कामना कट जाती है उससे सुख मिलता है। इस रहस्य को जानने वाले न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बजे बांसुरी, किसी वस्तु की कामना ही नहीं पालते तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा। तो फिर लंबा शास्त्रार्थ है, अन्योन्याध्यास मूलक कामना विवेकियों के जीवन में नहीं। आत्मा को अंतःकरण आदि का अनुरूप समझना, अंतःकरण आदि को आत्मा का अनुरूप समझना, फिर कामना पालना, यह नहीं। तो आपके प्रश्न का उत्तर है, सुमति ना होने पर, संवाद ना होने पर, भोग्य सामग्री के पर्याप्त होने पर भी कला होता है, मनमुटाव होता है। सद्भाव पूर्वक संवाद का क्रम रोज चले और भगवत भजन में सबका मन रमा रहे, एक घंटा परिवार में रोज बैठे, 10 मिनट कीर्तन करें मिलकर, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लें, एक दूसरे को कुशल पूछें, कोई भूल हो गई हो तो बेखटके स्वीकार कर लें, भ्रम हो गया हो तो दूर कर लें, तो राम राज्य हो जाएगा। संवाद नहीं है तो करोड़ों रुपये मिल जाए सुख नहीं मिलेगा। तृष्णा के कारण, संवादहीनता के कारण दुख की प्राप्ति होती है, सामग्री चाहे कितनी भी हो। नारायण, एक विचित्र बात है, एक हीरानंद पहाड़ी बहुत अच्छे महात्मा थे, उनके सामने तो मैं बच्चे के समान था, आयु से मुझको बहुत बांधते थे। गंगा के तट पर लगभग 80 वर्ष पहले की घटना होगी, उस समय हम माँ के घर में रहे होंगे, नंगे पांव दोपहर के समय गर्मी के दिनों में पैदल जा रहे थे। अपने मन में सोच रहे थे, मेरे समान इंद्र भी सुखी है क्या, बाहर से तो क्या दशा, प्रचंड ताप, नंगे पांव, बालुका और गंगा जी को छू करके गर्म हवा, फिर भी मन में सोच रहे थे इस विरक्ति के कारण, अलमस्ती के कारण जो मैं आनंद विभोर हूँ, यह सुख क्या इंद्र को सुलभ है। इतने में गंगा जी की बात है ना, गंगा के तट पर धोबी और धोबिन जीविका की दृष्टि से कपड़े धो रहे थे। धोबी बार बार ताना कसता था धोबिन को, ज्यादा नखरे करेगी तो मैं घर छोड़ के बाबा बन जाऊंगा तो धोबिन को अच्छा अवसर मिल गया, उसने कहा देख इस अभागे की दशा, देख हम तो पांव को गंगा जी में रखे हुए हैं, क्या ये नंगे पांव है, क्या दुर्दशा इसकी हो रही है, मुझको छोड़कर बाबा बनने का ताना कसता है, तेरी यही गति होगी इस वाक्य को वही हीरानंद महाराज ने सुन लिया तो उन्होंने सोचा मैं अपने बारे में क्या सोच रहा था,
मेरे बारे में वो धोबिन क्या सोच रही है। इसलिए सुमति नहीं है तो संपत्ति होने पर भी कलह अशांति स्वाभाविक है। तृष्णा ना हो, सुमति हो तो कलह की कोई बात नहीं। आगे